तो आज के, इस वाले वीडियो के अंदर हम लोग के लेंच रेक गेम को उस वाले गेम के अंदर कैसे क्या होता है मैं आप लोगों को तो बेहतर तो कर देता हूँ हम लोगों को एक घर करना पड़ेगा तो उसके बाद उस घर को मुझे डेकोरेशन करना पड़ेगा उस घर के अंदर हम लोग पेंटिंग कर सकते हैं अलग अलग चीज डाल सकता है लाइटिंग कर सकता है बहुत कुछ चीज कर सकता है उसके बाद और उस सब कुछ करने के बाद उस वाले घर को हम लोग सेल भी कर सकता है आई एच बजट के अंदर लो बजट पर हम लोग परचेस करेंगे तो उसको हम लोग डबल प्रॉफिट लेकर एक और घर को सेल कर लेते हैं उसके बाद और भी एक और घर लेंगे ले उसको भी हम लोग डेकोरेशन करेंगे उसको भी हम लोग क्लीन करेंगे सब कुछ करेंगे उसके बाद उसका को भी हम लोग सेल करेंगे लिटरली लिट काफी ज्यादा मजा आने वाला है तो आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग उसी गेम को खेल हैं आए और गेम को लिटरली काफी ज्यादा मजा आने वाला है हम लोगों को और क्लीन करना पड़ेगा उसके बाद उसको सेल करना पड़ेगा भाई काफी ज्यादा मजा आने वाला है वीडियो को देख लेकिन लाइक भी कर सकते हैं और राइट तो अभी हम लोग आ चुके हैं इस वाले रूम के अंदर तो आप लोग इस वाले रूम देख सकते हो लिटरली काफी गंदा हो चुका है तो अभी के लिए हमें इसको डेकोरेशन करने के बाद इसको मैं सेल भी कर सकता हूँ तो अभी आप लोग देख सकते हो लिटरली मेरा एंट्री होने वाला इधर से मैं जिस घर से अंदर एंटर कर लेता हूँ एंड देन इधर एक और हमारा रूम है तो इसके अंदर अभी हम लोग जा सकते हैं फिलहाल ये मेरा वाशरूम है बट वाशरूम का हालत काफी गंदा हो चुका है फिलहाल अभी के लिए मैं इस घर को परचेज किया हूँ तो अभी के लिए ये घर हो चुका है मेरा घर एंड मैं अभी के लिए इसको कम्फ्राइस के अंदर तो प्रचेस किया हूँ तो अभी के लिए मैं इसको डेकोरेट करना पड़ेगा काफी चीज को मुझे अलग अलग करना पड़ेगा तो उससे पहले हम लोग इस काम के अंदर कर लेता है और यही चीज जिसको अभी हम लोग जितना इधर चीज है भाई काफी ज्यादा चीज पुराना हो चुका है तो आज मुझे सारे का चीज सारा का सारा चीज उसको पहले तो पहले सेल कर लेता हूँ उसके बाद हम लोग इस घर को डेकोरेट करने वाला है तो पहले तो पहले, तो पहले इधर एक चीज है तो उसको हम लोग सेवेंटी फाइव डॉल के अंदर पे कर सकते हैं मतलब सेल कर सकते हैं एंड इधर जितना ही चीज है भाई मैट से लेकर सब कुछ हम लोग सेल करने वाला है बिकॉज भाई कुछ भी हम लोग नहीं रखने वाला है एक काफी ज्यादा है ना फालतू चीज है एंड आई नो गाइस इसको हम लोग सेल भी करेंगे ना तो आई डोंट मुझे इससे कितना मिल जाए मिलने वाला है तो डिट रीजन वी आर सेल दिस एंड अभी हम लोग इसको भी सेल कर लेते हैं ब्रो अभी हम लोग हमारे पास जितना ही था चीज़ देखने के लिए मिलने वाला है सारा का सारा चीज़ों को हम लोग सेल कर लेते हैं एंड हमारे पास एक्स्ट्रा पैसा हो जाएगा तो उस पैसे से हम लोग और भी काफी ज़्यादा न्यू न्यू चीज को हम लोग ईजिल बाई कर सकते हैं तो और भी हमारा घर काफ़ी ज़्यादा सही दिखने वाला है फिलहाल ये हमारा परमानेंट घर होने वाला है तो इसलिए मैं इसको और भी काफी ज़्यादा अच्छे से डेकोरेट करना चाहता हूँ उसके बाद हम लोग एक और घर को परचेज कर लेते हैं देन उस घर को अभी हम लोग डेकोरेट डिकोरेट कर लेते हैं जिस तरह हमारे पास पैसा रहेगा उसी जैसा तो उसके

इधर सेल कर चुका फिलहाल वॉशरूम के अंदर भी काफी सारी चीज़ें हैं। उसको भी मैं से सेल कर लेता हूँ जितना चीज अभी के लिए हम लोग सेल कर चुका है तो इधर जितना अभी कचरा कचरा है उसको मुझे क्लीन करना पड़ेगा तो इधर जितना ये फालतू तो चीज है सब कुछ हम लोग फटाफट से क्लीन कर लेते हैं हाँ राइट सीधा जितनी चीज़ें सारा का सारा चीज़ को अभी मैं क्लीन तो कर चुका हूँ एंड गाइस इसमें आप लोग एक और बात पता चलता हूँ इस कर को मैं बाय कर चुका हूँ तो ये मेरा वोन घर हो चुका है तो अभी के लिए मैं इस के अंदर कुछ भी कर सकता हूँ लाइक इसको तोड़ भी सकता हूँ इसको मैं कहीं भी लगा सकता हूँ कुछ भी कर सकता हूँ बिकॉज ये मेरा घर वाला है तो इसी एक रीज़न के लिए गाय अभी के लिए हम लोग दूसरे घर के अंदर काम करने के लिए जाते हैं ना तो उस वाले घर के अंदर लोग लो क्या काम बोलते हैं उसी काम मुझे करना पड़ेगा बट दिस इज माई ओन हाउस इस वाले वो घर के अंदर हम लोग कुछ भी कर सकता है तो मैं काम करना चाहता हूँ इसको मैं अभी जैसे हटाना चाहता हूँ तो हमारे पास एक एमर हम अम लोग ले लेते हैं देन इसको हम लोग तोड़ लेता है लाइक दिस लेक्ट देखो अभी मुझे इसको तोड़ना पड़ेगा एंड इसके वजह से आई डोंट नो क्या होता करके बट हम लोग इसको इजिली तोड़ सकता है लाइक दिस एंड इसको मैं इसलिए तोड़ रहा हूँ तो आप लोग मैं प्रॉपर बता लेता हूँ इसके वजह से मैं क्या करने वाला करके बिकॉज ये मेरा करना होने वाला है मैं इसके अंदर थोड़ा बहुत चीजें भी चेंज करना चाहता हूँ और डट सीजन तो अभी के लिए जितना ही कचड़ा किचड़ा लगा है उसको भी हम लोग फटाफट से क्लीन कर लेते हैं बिकॉज काफ़ी गंदा भी बच चुका है ना तो उसको भी हम लोग फटाफट से क्लीन कर लेते हैं विंडो भी हम लोग फटाफट से क्लीन कर लेते हैं लाइक like दिस तो इधर जितना भी विंडो है तो अभी हम लोग इसको भी फटाफट से क्लीन कर लेते हैं बिकॉज विंडो भी क्लीन करना पड़ेगा विंडो के अंदर भी काफी गंदा हो चुका है बिकॉज इस वाले घर के अंदर कोई भी नहीं था तो इस वाली घर से आज से हम लोग इधर रुकने वाले ना सो उधर से जो है जितना विंडो है फटाफट से हम लोग क्लीन कर लेते हैं राइट विंडो क्लीन तो हो चुका है बट इधर और भी काफी गंदा गिंदा है उसको भी हम लोग फटाफट से क्लीन कर लेते हैं हाँ राइट देखता है देखता था, जितना ही चीज़ ऐसा है सड़क का सारा चीज उसको अभी हम लोग क्लीन कर चुके हैं देन अभी हमारा काम है इधर एक सीमेंट लगाना था तो इस वाले प्लेस के अंदर भी डू दैट पहले तो पहले हम लोग उसको कंप्लीट करवा लेते बिकॉज उसको भी करना काफी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड इसके लिए थ्री हंड्रेड मुझे पे करना पड़ेगा, बट इट्स ओके इस वाले प्लेस अंदर फाइनली हैं। तो अभी का टाइम होने वाला है तो पहले तो पहले इधर तो तो मेरा बेड था बट अभी बनाएंगे इधर एक विंडो भी है तो इस तरफ हम लोग बना लिया ना एक रूम एक वॉशरूम हम लोग बना लिया ना लिटरली काफी ज्यादा मजा आने वाला है एंड इस तरफ हमारा किचन होने वाला है इसको मैं शेयर नहीं किया तो फटाफट इसको भी हम लोग शेयर करवा लेते हैं दे तो अभी मुझे वॉल क्रिएट करना पड़ेगा देन हम लोग इसको इधर से लगाना पड़ेगा लाइक डट ओके वेट हम लोग इधर इसको इधर इधर नहीं लगा सकते इधर इस इतना दूर लगाना पड़ेगा क्या एक वाशरूम को एंड आई डोंट डू दैट तो हम लोग एक काम कर लेते हैं हम लोग थोड़ा बहुत चोटा ही कर लेते हैं ओ oh, शर्ट ये मैं गलती से लगा लिया ब्रो <laughs> तो इसको मुझे हटाना था इस वाले प्लेस से तो हम लोग एक काम करते इसको हटा कर इधर लगा लेते हैं देन वी मेड सम ब्लॉक लाइक दिस इधर हम लोग करना स्टार्ट कर लेते हैं छोटा छोटा से एक हमारा इधर आने वाला है वॉशरूम एंड वॉशरूम हम लोग ज्यादा बड़ा नहीं बनाएंगे एक छोटा वाला एंड मोटा वाला वॉशरूम बनाने वाला है आई थिंक इट्स एंड ऑफ राइट नाउ बिकॉज हमारा घर काफी ज्यादा छोटा बने वाला है वॉल वा लगा सकता है लगा तो चुका है हम लोग एंड इट लुक भी काफी ज्यादा सही आ रहा है फिलहाल इधर हमारा डोर आ जाएगा डेन ये मेरा वाशरूम होने वाला है काफ़ी तरह अच्छा बात है एंड वाशरूम होने वाला एंड किचन किचन तो हम लोग दोबारा से बना लेते हैं इजिली टेंशन का बात नहीं है तो हबी के लिए इतना ज़्यादा होने के बाद हमें हम भी हम अभी हम लोग कर लेते हैं पेंटिंग का काम तो हमारे पास काफ़ी ज़्यादा है पेंटिंग है हम लोग कोई भी कलर सेलेक्ट कर सकते हैं जो हम लोगों को अच्छा लगेगा तो वी मेड वाइट तो हमारा फेवरेट तो प्रो अपू उनको तो वाइट काफ़ी ज़्यादा पसंद है तो इसलिए हम लोग अभी वाइट ही लगा लेते हैं फिलहाल अभी हम लोग जितना इधर वाइट काम लग रहा है तो जितना ही वॉल है तो फर से सारा का सारा वॉल को हम लोग वाइट से भरवा लेते हैं एंड उसके बाद हम लोग देखने वाला है इस कड़ का लुक किस तरह आ सकता है फिलहाल अभी के लिए कुछ इस तरह है एंड हम लोग पूरा लगाने के बाद किस तरह से देखने वाला है हम लोग देखने वाला है ऑल राइड right अभी के लिए पेंट भी खत्म हो चुका है तो मुझे बॉक्स को भी बाय करना पड़ेगा लेट्स लोग देख सकते पूरा कपड़ा वॉल के अंदर पेंट तो लगा चुका लेना तो काफी ज्यादा अच्छा लुक आने वाला हैं so, पहले। तो पहले उसके बाद हम लोग देखने वाला है अलग अलग कलर भी हम लोग डाल लेता है बट व्हाइट इज प्रीमियम लुक सो दीजन वी आर यूजिंग व्हाइट ऑल राइट घाय बकेट पेंट खत्म हो चुका है तो मुझे को बकेट पैंट लेना पड़ेगा ब्रो कितना पेंट हो यार इस पर हो राइट right, हम लोग कुछ इस तरह से कर फाइनली डन हो चुका है लिटरली काफ़ी ज़्यादा सही लुक आने वाला है बट अभी के लिए हम लोग वाशरूम के अंदर थोड़ा बहुत अलग कलर डाला रहता है बट सीलिंग के अंदर मैं व्हाइट ही लगाना चाहता हूँ बिकॉज व्हाइट लुकिंग वेरी गुड तो हम लोग वॉशरूम के सीलिंग के अंदर वाइट लगा रहता है एंड एक दो, दो वॉल के अंदर भी हम लोग व्हाइट लगा लेते हैं इस वाली वॉल के अंदर भी हम लोग व्हाइट लगा लेते हैं दैन इस तरफ से हम लोग व्हाइट लगा लेते हैं इससे एन ओफ है तो हम लोग एक और पेंट को बाई करना पड़ेगा बिकॉज सारा का सारा चीज़ के अंदर एक ही पेंट इट्स नॉट बाई अच्छा नहीं दिखेगा तो हम लोग ये ना इसको हम लोग लगा लेते हैं आई होप इससे वजह से थोड़ा बहुत अजीब भी दिखने वाला है बट हाँ हम लोग एक ही कलर को नहीं लगा सकते हैं ना वो बाई वो अच्छा भी नहीं दिखेगा एंड काफ़ी इधर प्लेस के अंदर इससे अलग अलग कलर भी डाल लिया ना तो अच्छा लुक आने वाला है हल राइट right, कुछ इससे हम लोग लगा चुके हैं इस वाले प्लेस पर एंड इट्स लुकिंग वेरी गुड लिटरली काफ़ी ज़्यादा अच्छा लुक कर रहा है एंड पूरा का पूरा व्हाइट है एंड इस तरफ हम लोग कुछ इस जैसा कलर लगा चुके हैं इट्स गुड वेरी गुड देन अभी हमारा काम है आ, टेस्ट को लगाना तो फटाफट से उसको भी हम लोग कंप्लीट करवा लेते हैं आप लोग लुक भी देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा सही लुक है बट एक मैं प्लेन से लगाना चाहता हूँ एंड प्लेन के अंदर भी काफी तो काफ़ी ज़्यादा है बट हम लोगों को एक प्रीमियम लुक देने के लिए काफ़ी ज़रा अच्छा एंड काफ़ी ज़्यादा प्यार से दिखने वाला बस आई उतना ही अच्छा हम लोगों को एंड इस लुकिंग थोड़ा बहुत हम लोग वुड का काम करने वाला है सो दस रीजन यूर इधर देखो इधर तो वुड का काफ़ी ज़्यादा सही है एंड में और भी काफ़ी ज़्यादा चीज़ को अच्छा नहीं दिख रहा बट हाँ के बारे में बात करें तो इज लुकिंग वेरी गुड सो so, हम लोग इसी को बाई करने वाले फिलहाल के लिए इसको हम लोगों को फटाफट से इधर जितना भी प्लेस ऐसे उस प्लेस के अंदर मुझे इसको भी लगाना पड़ेगा तो वी डू डूर हम लोग अभी के लिए इस वाली चीज़ के अंदर इस चीज़ से कुछ लगा चुके हैं बट अभी के लिए हम लोगों को वॉशरूम के अंदर अलग टेस्ट लगाना पड़ेगा बिकॉज़ वॉशरूम के अंदर आप लोगों को पता होगा अलग अलग कलर का लगता है एंड वी do दैट पहले तो पहले हम लोग इसको buy कराते हैं एंड इसको हम लोग अभी washroom के अंदर लगाने वाला है वो इट लुक वेरी गुड ब्रो एक्चुअली काफ़ी ज़्यादा सही लुक कर रहा है इसका तो ब्रो आई cannot एक्सप्लेन इट बट काफ़ी ज़्यादा अच्छा लुक कर रहा है अभी के लिए हमारा इतना ज़्यादा चीज़ हो चुका है देन या इधर भी मुझे दो टेल्स buy करना था तो इसको भी हम लोग complete करवा लेते हैं हम लोग इसको इधर लगा लेता है इस वाली प्लेस पर एंट्री पर काफ़ी ज़्यादा सही लुक आ जाएगा प्रो। सब कुछ हिस्से सा कुछ हो चुका है एंड अभी का टाइम है मुझे बेड बाय करना पड़ेगा तो so, अभी हम लोग जाते हैं पहले तो पहले हम लोग जाएंगे देन आप लोग देख सकते तो हैं लिटरली ले काफ़ी ज़्यादा ही चीज़ें से पीसी सी कंप्यूटर कंप्यूटर भाई साहब माइक स्मार्ट वॉच स्मार्ट माइक ओ गेमिंग चेयर गेमिंग हेडसेट ओ माई गॉड आई कैनॉट एक्सप्लेन बट वी मेड सम बेडरूम का काम हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं तो हमारे पास एट हंड्रेड रुपीज़ का एक बेड है लिटरली काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली है तो हम लोग एक बेड को बाय कर लेते हैं पहले तो पहले एट हंड्रेड रुपीज़ का देन हम लोग इसको इधर लगा लेते हैं एंड वेटर सेकंड या इधर लगा लेते हैं थोड़ा बहुत अच्छा खासा दिखेगा ब्रो तो हम लोग इधर रखने वाला है एंड उसके बाद हम लोगों को इस वाले प्लेस के अंदर एक टेबल का ही ज़रूरत पड़ने वाला है सो तो वी बाय एक टेबल हम लोग एक गॉड्रेज बीर के जैसा कुछ हम लोग बाय कर लेते हैं देन हम लोग इसको आई थिंक ये रोटेट होगा ना अरे काफ़ लगे देन ओके okay, तो अभी हम लोग इसको इधर लगा लेते हैं या तो कॉटरेज के बाद इसके अंदर भी हम लोग कुछ लगा सकते हैं इजी चीज़स को देन अभी हम लोग उसके बाद वाशरूम के अंदर भी जाएंगे वाशरूम के अंदर भी थोड़ा बहुत चीज़ को हम लोगों को बनाना पड़ेगा बाथरूम के अंदर हम लोग जाएंगे ना तो काफ़ी सारी चीज़े हैं तो मुझे पहले तो पहले एक वाशरूम बार्ड टब लेना पड़ेगा मुझे एंड मुझे एक सिल्क का भी ज़रूरत पड़ने वाला है इसलिए हम लोग अभी सिक्स हंड्रेड रुपीज़ के अंदर एक बाई कर चुके हैं देन हम लोग इसको इधर प्लेस करवा लेते हैं लेट्स गो काफ़ी अच्छा बात है बट इधर भाई मैं पेंट नहीं डाल लिया वेट अ सेकेंड राइट तो इससे सब कुछ कर चुका है तो अभी का टाइम है इधर मुझे एक वॉशरूम बनाना पड़ेगा देन मतलब बाटअप लगाना पड़ेगा तो अभी हम लोग उसको भी लगा लेते हैं बाटअप लिटरली ब्रो इतना कॉस्टली थाउजेंड टू हंड्रेड है बट अभी हम लोग को करना ही पड़ेगा ना तो हम लोग इधर इसको इस साइड पर लगा लेते हैं काफ़ी ज़्यादा सही बात है तब हम लोग बाइक कर लेते हैं थाउजेंड रुपीज़ का इट्स वेरी वेरी कॉस्टली ब्रो लिचुअली काफ़ी ज़्यादा पैसा जाने वाला है मेरा तो फिलहाल एक काम कर लेता है हम लोग इधर लगा रहता है टेंशन का बात नहीं जैसे आज की दो कर जा सकता है ना तो अभी के लिए कुछ जिससे हो चुके हैं अभी इस वाले प्लेस के अंदर मुझे एक दूर भी, भी बाय करना पड़ेगा तो इस वाले प्लेस पर हम लोग लगा लेते हैं थिंक अभी के लिए हमारे पास बजट के जस्ट हिसाब से हम लोग बाइक करेंगे तो इसी को अभी हम लोग बाइक कर लेते हैं हम लोग चेंज कर सकते हैं लाइक दिस बट अभी हमारे लोगों को लो ब्लैक लो काफी अच्छा लेने वाला है इस वाले वाइट कलर के अंदर एक ब्लैक कलर का भी एक अच्छा खासा दिखने वाला है एंड इसके तो हम लोग एक लो, हम लो एक बड़ा वाली बाइक कर लेते हैं तो बड़ा वाला हम लोग कुछ इस तरह से लगा लेते हैं इस वाले प्लेस पर तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लुक आने वाला है वो प्रो लिटरली काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली है एंड उतना पैसा भी नहीं है मेरे पास बट तो इसको तो लगाना ही पड़ेगा अभी कुछ भी ऑप्शन नहीं है तो इसको इधर लगा, लगा लेते हैं इसके पास लाइक इधर हम लोग लगा लेते हैं वो शर्टमैन मैन एंड अभी हम लोग इट्स काफ़ी ज्यादा बजट एंड वेट सेकंड मेरे पास जितना भी पैसा था ऑलमोस्ट पैसा सब कुछ खत्म हो चुका है हैं हम लोग काफी ज्यादा करके जाएंगे काफी ज्यादा क्लीनिंग करेंगे एंड इससे काफी ज्यादा हंड करेंगे उसके बाद हम लोग दोपहर से डेकोरेट करने वाला है फिलहाल कैसे आज की इस वाली वीडियो में करता हुआ करता हो पाँच का वीडियो आप लोगों को काफी ज्यादा अच्छा लोगों का sure वीडियो, वीडियो को लाइक कर देना चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना